हे गाइस, वेलकम टू आवर शो। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आपकी फील्ड में नए नए लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। तो हमने स्केचिंग के अंदर पहले काफी वीडियोस देखे हैं और आपको स्केचिंग के बारे में बताया भी है, लेकिन हम स्केचिंग के बारे में कुछ और जानेंगे आज। तो आज हमारे साथ है अमर आर्ट्स। सर, वेलकम टू आवर शो। सर, ये जो स्केचिंग का आपने ये सिलसिला जो शुरू किया है, कितने अच्छे स्केचेस आप बनाते हो। सर, ये कब से बना रहे हो? सर, वैसे बचपन से शौक होता है आर्टिस्ट को, लेकिन उसको इम्प्रूव करना, उसके बारे में, उस फील्ड के बारे में जानना, मैंने ड्राइंग में लगा था। मैं उस टाइम में थोड़ा थोड़ा स्केचिंग करने लग गया था और बीए में आया तो मैंने वहां भी स्टार्ट किया। वहां मुझे अच्छे गुरु मिले, प्रेम खींची है उनका नाम, परमपुर से, उन्होंने मुझे यहाँ पे डीएवी कॉलेज में मतलब दाखिले के लिए भेज दिया। इसके बाद उन्होंने बताया मुझे एमए भी होती है, इसके बाद स्कोप है आर्ट टीचर का, आर्ट लेक्चरर का स्कोप है इसमें। तो यहाँ पे मैंने सुखदेव जी, गायत्री मैम, विवेक आकरा जी और मैम से सीखा है, उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया। तो उसको मैंने मतलब फॉलो कर करके आज प्रैक्टिस कर करके सीखा है, जो सीखा है मैंने प्रैक्टिस कर करके सीखा है। तो सर, ये स्केचिंग के अंदर मैंने देखा सर आपका इतना ज्यादा निखार है, जो आपने प्रैक्टिस की है वो प्रैक्टिस ना आपके सर उस काम में दिखाई देती है हमको। तो सर, कितना टाइम हो गया आपको इस चीज की प्रैक्टिस करते हुए? ओवरऑल प्रैक्टिस करते हुए तो मुझे लगभग पिछले 2-3 साल से मैं ज्यादा कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने डिप्लोमा किया है कंप्लीट महाराजा अग्रसेन आईटीआई कॉलेज आलमगढ़ अबोध में। ठीक है, तो वहाँ से मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा किया है। तो वो मेरे घर से 90 किलोमीटर पड़ता है। मैं डेली बस में जाता था तो मैं फ्री होता था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा स्केचिंग किया, फ्री टाइम मैंने उसको यूज किया उसको। तो मैंने पैसेंजर, जो भी पैसेंजर बैठा होता था सामने या जैसे भी उसका फ्रंट साइड जैसे भी मुझे बनाए, मैं अपने लिए बनाता था। पहले अपने लिए बनाता था और अपनी फाइल को डाल लिया बैग में और मैंने किसी को नहीं दिखाया। जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस किया वो बनने लग गई। आपको पता है बस में बनाना मुश्किल है, लेकिन वो सब कुछ हो जाता है, प्रैक्टिस से सब कुछ तैयार हो जाता है। मतलब कि आप जब बस में जाते थे तो आपने उस टाइम को वेस्ट नहीं किया, उसको यूज किया, बस के अंदर भी स्केचिंग किया आपने जी, और प्रैक्टिस करते कि मतलब नॉर्मली अपने स्केचिंग करते हैं तो उतना एक्यूरेट नहीं बनता। चलती हुई बस में आप स्केचिंग कर रहे हैं सर, तो ये आपकी डेडिकेशन है सर, इतना आर्ट के लिए इतना प्यार है जो आपका। और आप जैसा कि कह रहे हैं उसके बाद लोग तो वहाँ काफी उस चीज को देखकर अट्रैक्ट होते होंगे कि बस में कोई आदमी स्केचिंग कर रहा है, जितने भी वहाँ पैसेंजर है वो भी मतलब कि उस चीज को देख के उस चीज में इन्वॉल्व होते होंगे ना। जी सर, जैसे आर्टिस्ट होता है वो आर्ट के लिए ही बना होता है। ठीक है, वो जन्मा है तो वो आर्ट के लिए जन्मा है, तो मैंने उसको वो टाइम है ना जो वो आर्ट के लिए दे रहा हूँ, ताकि हर किसी को पता चले आर्ट क्या होती क्या है। इसको लोग धीरे धीरे जैसे कंप्यूटर का मार्ग आ गया ना टाइम, तो सब कुछ इसको भूल रहे हैं, लेकिन इसको भूलने नहीं देना, इसको दोबारा लेके आना है। उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, हर जगह बात करता हूँ, हर टाइम जहाँ भी मुझे टाइम मिले मैं वर्क करता हूँ, ताकि हर बंदे को पता लगे ऐसी भी कुछ चीज होती है। अभी तक आप मानोगे नहीं, ऐसे ऐसे मतलब पर्सन है जिनको पता भी नहीं है, अभी हाथ से भी बन जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे पर्सन मिलते हैं तो उनको वो बताता हूँ ऐसा भी बन जाता है, तो वो बनवाते भी है। अपन कहते हैं ना स्कोप घट रहा है, वो अपन ही घटा रहे हैं, अपन वर्क नहीं करते। अपन वर्क करेंगे तो वो बहुत अच्छा निखार आएगा और लोग क्यों नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे जरूर खरीदेंगे। इसमें स्कोप बहुत है, खुद का स्टूडियो करो, आगे स्टडी करनी है तो एमए नेट वगैरह करके और जीआरएफ पीएचडी करके आप प्रोफेसर बन सकते हो, स्कोप अच्छा है। तो मैं तो स्टडी कर रहा हूँ फिलहाल साथ आपने और ये वर्क करता हूँ। सर, आपने जिस कॉलेज से एमए की, अभी मैं उस कॉलेज से एमए कर रहा हूँ, तो सर ये मुझे काफी अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है, मोटिवेशन मिलती है सर आपको देखकर, आपके काम को देखकर। इंस्टाग्राम पर जो सर आप अपने काम की जो पोस्ट डालते हो सर, मैं सारी लाइक करता हूँ सर। आज बहुत प्राउड महसूस हो रहा है, दोबारा कॉलेज में आने का मौका मिला। जैसे जैसे मैं एमए में आता था वैसे वैसे आ रहा था, देख रहा था काफी कुछ यहाँ पे सुधार हुआ है, पहले से ज्यादा सर ने इम्प्रूव किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो आप वीडियो बनवा रहे हो आर्टिस्टों को बना के, बहुत अच्छा लगता है, इससे सभी मोटिवेट होते हैं। थैंक यू सो मच सर। ये उनको तो काफी मोटिवेशन मिलती है, हमको काफी कुछ सीखने को मिलता है इस चीज से। सर, हम तो आपके साथ बैठे हैं, हमारे पास आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी है, तो हमें जब भी कुछ सीखना होता है हम आपसे यूँ सीख सकते हैं। पर जो सर दर्शक देख रहे हैं, अगर उन्हें आपसे कॉन्टेक्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? वो मेरा इंस्टाग्राम अमर आर्ट्स के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, और फेसबुक पे भी मैं हूँ, और अपना यूट्यूब चैनल अमर आर्ट्स के नाम से यूट्यूब चैनल भी है। उसमें मैंने बारीकी से सिखाया हुआ है, मतलब लाइव कैसे करते हैं वो भी बताया हुआ है। वहाँ से आप कॉन्टेक्ट नंबर भी ले सकते हैं, मेरे से बात भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है स्केचिंग में तो मैं आपके लिए एकदम हाजिर हूँ। तो सर का जो इंस्टाग्राम का लिंक है, जो फेसबुक है और जो यूट्यूब चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में है।
आप जाइए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Instagram पर फॉलो कीजिए और सर से और भी कुछ सीखिए। सर ये जो स्केचिंग है, आप स्केचिंग करते हो, काफी टाइम से कर रहे हो सर, इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो मुझे तो अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया है सर। मैं काफी ट्राई करता हूँ बनाने की लेकिन वो चीज बन नहीं पाती है और आप सर एकदम निखार के ले आते हो सर, वो कैसे करते हैं आप? सर पहले तो इसमें जो रूल्स होते हैं वो सबसे पहले होता है उसको जो भी ब्रिक बना रहे हैं उसको ध्यान से देखना, ठीक है, देख के उसको पूरी मेजरमेंट से उसको ड्रॉ करना और उसके मेजरमेंट के बाद उसमें आ जाता है तान, जो टोन होती है ना राइट एंड शेड, वो उसमें यूज करेंगे तो वो निकल के आएगा अपने आप। उसमें थोड़ा सा अभ्यास मांगता है, प्रैक्टिस है ना जो सिखाती है, प्रैक्टिस है, ऑब्जर्वेशन है, जिसकी वजह से सर आज आपके काम में निखार आया है। कोशिश करूंगा मैं भी ट्राई करने की कि मेरे काम में भी वैसा निखार रहा है सर, जितना नहीं आ पाएगा बट थोड़ा तो मैं कोशिश करूंगा जरूर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों स्केचिंग के बारे में हमने काफी कुछ सुना है सर से, लेकिन स्केचिंग सर करते कैसे हैं वो हम देखेंगे चल के आर्ट रूम में। तो सर आप थोड़ा स्केचिंग के बारे में हमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए तो बहुत अच्छा होगा सर। हाँ जरूर, क्यों, पेंसिल को 15 डिग्री एंगल में रखना होता है शीट के और उनको भी 15 डिग्री एंगल होता है, ठीक है, तो वो तभी संभव है जब हम इतनी मतलब उसको खिलेंगे, क्योंकि जैसे रखेंगे ना पेंसिल को कोई स्टेट होगी और उससे मेजरमेंट अच्छी आती है, इसलिए इसको उतना मतलब छेलना